हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट अनदर इंजीनियर। और आप भी इंजीनियर ही होंगे, सब हम लोग इंजीनियर हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी स्वागत है आपका। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन डिवाइस है, फ्लूइड बेस्ड सेंट्री का एक टॉपिक है। हम सब ने देखा होगा अपने घरों में भी हमारे लगे रहती है पंप, जिससे पानी ले जाते हैं हम, ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं, ऑन करते हैं, पावर देते हैं, चढ़ने लग जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फैमिलियर होंगे किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा केसिंग। लास्ट देखिएगा वीडियो, आपका प्रिंसिपल यहाँ पे हम समझेंगे आज, प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है। तो ये हमारा केसिंग है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, जिसके अंदर में हमारा इम्पेलर लगा हुआ है, वो है केसिंग। और ये है हमारा इम्पेलर, इम्पेलर जिसमें ब्लेड लगे रखे हैं, और इम्पेलर केसिंग के अंदर है, प्रोटेक्टेड है। ये हमारा सक्शन पंप है, सॉरी सक्शन पाइप है। ये हमारा सम्प है, जहाँ से भी आप पानी उठा रहे हो, जैसे आप किसी पोंड से पानी उठा रहे हो और इरिगेशन के लिए खेतों में डाल रहे हो, तो जो पोंड है हमारा वो सम्प है। और ये जो है रिजर्वायर है, जहाँ पे अपन पानी लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, हाइट पे नहीं भी है तो एक खेतों में, जैसे इरीगेशन का लिया हमने एग्जांपल, तो ये तालाब हो गया और खेत हो गया, फार्मिंग लैंड हो गया। यहाँ से पानी उठा, यहाँ से ट्रैवल किया और यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये मेन मेन पार्ट्स हैं, इसको सक्शन पाइप बोलते हैं, इसको डिलीवरी पाइप, क्योंकि ये डिलीवर कर रहा है ना, जो हमारा टारगेट है वहाँ पर डिलीवर कर रहा है, तो इसको सक्शन पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ इसका वर्किंग है फोर्स वोर्टेक्स। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फोर्स वोर्टेक्स क्या होता है, और उसका यहाँ पे 2G होता है नीचे में, 2G। उसमें हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए एक कंटेनर है, आपके घर का बाल्टी है, ठीक है, और आपने उसमें अपना हाथ डाला, उसको पूरा घुमा दिया, जैसे ओमेगा से घुमा दिया, टॉर्क लगाया और उसको रोटेट कर दिया, तो ओमेगा से रोटेट हो गया। तो क्या होता है, देखे होंगे जो पानी और गड्ढा हो जाता है और कुछ ऐसा शेप बन जाता है उसका, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फोर्स वोर्टेक्स। ये फोर्स वोर्टेक्स से प्रिंसिपल में काम करता है। फोर्स वोर्टेक्स बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, वोर्टेक्स उसका क्या काम है, फोर्स वोर्टेक्स वोर्टेक्स में होता क्या है हमें बता देते हैं। जो प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। जैसे जैसे आपका ओमेगा बढ़ेगा, प्रेशर भी सेंटर से डिस्टेंस, जैसे जैसे आप जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। आप एक्सिस है, मान लो आप एक्सिस रोटेट कर रहे हो, तो R1 पे प्रेशर कम होगा और R2 पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये, और आप लोग पता है V=R ओमेगा होता है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ओमेगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा हमारा P बढ़ेगा। तो इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फंडा है, सॉरी, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर होते चले जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे R1 में प्रेशर ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे प्रेशर इससे ज़्यादा होगा, और दोनों के बीच का जो हाइट है, जो सरफेस पे है, फ्री सरफेस पे, मान लो ये पॉइंट था A और ए बी, इन दोनों पे जो दोनों के बीच में जो हाइट है वो इस फॉर्मूले से आता है, H=ω²/2gR2²-R1²। बस ये ध्यान में रखना है आपको, ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप रेडियस दूर चलते जाओगे एक्सिस से, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे काम आता है हमारे। चलिए अब देखते हैं इसमें फोर्स वोर्टेक्स का प्रिंसिपल यहाँ पे कैसे काम आ रहा है हमारे। चलिए, आपने पावर पंप किया, स्विच ऑन किया, तो हमारा शाफ्ट रोटेट करने लग गया और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यहाँ भी टॉर्क हमने दिया था ना, हाँ, अपने हाथ से घुमाया था, तो वैसे यहाँ पे भी हमने पावर दिया, इलेक्ट्रिकल पावर, तो ओमेगा से रोटेट करने लग गया इम्पेलर। और जब ओमेगा से रोटेट करने लग गया तो हुआ क्या, ये अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है। ऐसे क्या बताया मैंने आपको, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर चलते जाओगे क्या होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, और रेडियस के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी के साथ ओमेगा भी इंक्रीज होगा। तो ओमेगा इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिफरेंस आएगा,
तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से प्रेशर कम हो ज़्यादा होता जाएगा, सॉरी प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो वही यहाँ पे होता है, पानी यहाँ से आया, ठीक है, जब ये रोटेट होने लगा और पहले से रनर में पानी है, ठीक है, पानी है पहले से ही रनर में, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है ना, जो केसिंग है पानी से भरा होता है, इम्पेलर पानी में होता है, इम्पेलर जो है हमेशा पानी से घिरा हुआ रहेगा। अगर ये घिरा हुआ ही नहीं रहेगा, फिर हमें ऊपर से पानी डालना पड़ता है, उसको प्राइमिंग बोलते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो आप पहले बस इतना समझो कि जो यहाँ पे है ये हमारा भी सिस्टम है, ये हमारा भी सिस्टम है, ठीक है, ये वाला हमारा सिस्टम है। अभी आप यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पहले केसिंग में पानी भरा हुआ है पूरा, और इम्पेलर में डूबा हुआ है। अब क्या होगा, जब पावर आपने ऑन किया तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे पानी है। तो यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यही वाला चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आपने पानी ऑन किया, जो ब्लेड था उसने पानी पे फोर्स लगाया, और फोर्स की वजह से पानी लग गया घूमने, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा तो पानी और तेज़ी से घूमने लग गया, और यही वाला सिचुएशन आ गया, पानी क्या हो गया। तो ये वाला बताया था ना आपको, जब आप टॉर्क प्रोड्यूस करते हो, जब हाथ से घुमाते हो तो उठ जाता है, तो क्यों उठता है, यही वाला यहाँ पे है प्रिंसिपल। तो देखिए क्या होता है, एक्चुअली जब पानी यहाँ पे आया, पानी यहाँ पे निकला, ये यहाँ पे इम्पेलर से जस्ट पास पे निकला, और आप जैसे जैसे दूर जाओगे ब्लेड से, जैसे जैसे दूर जा रहे हो, क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एक्सिस के जैसे जैसे दूर जाते हैं, सॉरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जा रहे हो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि जो यहाँ का प्रेशर है बिलो एटीएम पहुँच जाता है, पी एटीएम से भी नीचे पहुँच जाता है, इतना रोटेट करते करते एक पॉइंट ये आता है कि जो यहाँ का जो प्रेशर है ये पी एटीएम से, एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे आ जाता है, और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है। सेम यहाँ पे भी हो रहा था ना, प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल कम है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो प्रेशर इंक्रीज करता है, यहाँ पे भी हम दूर जा रहे हैं एक्सिस से, एक्सिस हमारा रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हमारा प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर वैक्यूम मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे आ गया, नॉट वैक्यूम, एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे आ गया। तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे भी आपका प्रेशर एटमोस्फेरिक है और यहाँ पे भी आपका प्रेशर एटमोस्फेरिक है, तो यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ उससे कम प्रेशर है, तो क्या होगा, पानी लो टू हाई खींचने लग जाएगा, सक्शन होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बहुत कम है, यहाँ का प्रेशर बहुत कम है और यहाँ का प्रेशर इससे ज़्यादा है, तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर खींचने लग जाएगा, और पानी खींच के यहाँ पे आएगा, पानी खींच के बाहर की ओर आएगा, फिर जो हमारा जो ब्लेड घूम रहा है ये यहाँ पे इसको रोटेट करा देगा और पानी हमारे रिजर्वायर में चला जाएगा। ये देख देख रहे होंगे आपको, अगर डिटेल में थोड़ा सा देख रहे होंगे तो ये डिफ्यूज़र जैसा है सेक्शन, डिफ्यूज़र जैसा सेक्शन है, ये देखिए बढ़ता जा रहा है इसका, इसको इन्वोल्यूट बोलते हैं, ये डिफ्यूजर से सेक्शन है, ये इंक्रीज होता जा रहा है इसका रेडियस यहाँ से। तो डिफ्यूजर का क्या काम होता है, वो वेलोसिटी को डिक्रीज करता है और प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो हमारा वही तो ज़रूरत है यहाँ पे, हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ताकि हम पानी ज़्यादा ऊपर तक भेज सकें, ज़्यादा हेड तक भेज सकें, यही है। तो यहाँ से पानी निकला, डिफ्यूजर में आया, डिफ्यूजर का एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से पानी लिफ्ट हो रहा है। तो ये था मेन प्रिंसिपल जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, ऐसे ही हमारा काम करता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे प्रेशर एटीएम से कम होता है और यहाँ पे प्रेशर एटीएम से एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई, सॉरी यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, पीएटीएम से कम हो जाता है ना और यहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो ये खींच लेता है यहाँ से पानी और बाहर फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो ये था इसका प्रिंसिपल, बेसिक्स यही है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में आप जाओगे तो आईपी वाईपी इसका पावर वावर निकालना होता है, बट वो अलग बात है, वो मैथमेटिकल है, जो प्रिंसिपल था ये था फोर्स वोर्टेक्स, इसी पे काम करता है।
आप एक्सिस से दूर जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, वही यहाँ पे हो रहा है। आप एक्सिस से दूर जाते जा रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे बहुत प्रेशर कम हो गया एक समय पे, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, पी एटीएम से कम हो गया, यहाँ पे पी एटमोस्फेरिक है तो यहाँ से पानी खींच लेगा ये और वहाँ पे उसको डिलीवर कर देगा रिजर्वायर में। तो ये था हमारा प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल पंप का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं सॉल्यूशन करूँगा उसका जो भी दिक्कत होगी। तब तक विदा लेते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।